अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फरहान सत्तार। आई एम लेक्चरर एट कंकोडिया कॉलेज केनाल कैंपस। नाउ वी आर डिस्कस्ड फिजिक्स फर्स्ट ईयर। फिजिक्स फर्स्ट ईयर चैप्टर वन मेजरमेंट्स। बिफोर वी स्टार्टिंग द फर्स्ट लेक्चर I have a question. What is physics? You know what is physics? It's two point of view, scientific point of view and simplest definition. Scientific point of view, physics is a branch of science which deals with the study of matter, energy and their interaction. Simplest definition, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। अगर हम बात करें साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू की, तो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन, मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास, कि मास का एनर्जी के साथ क्या ताल्लुक है, एनर्जी का मास के साथ क्या ताल्लुक है और इनका आपस में जब इंटरेक्शन होता है तो क्या होता है। तो ये आ गया साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम सिंपलेस्ट डेफिनेशन की बात करें, तो सिंपलेस्ट डेफिनेशन के मुताबिक फिजिक्स हमारे पास क्या है, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर, कि कुदरत को स्टडी करना, कुदरत का मुतालिया करना, ये हमारे पास क्या कहलाता है, फिजिक्स। जो भी हमारे इर्द गिर्द कायनात में हो रहा है, अगर हम इसकी स्टडी करते हैं तो वो सारी की सारी स्टडी हमारे पास आएगी किसमें, फिजिक्स में। तो इसलिए फिजिक्स जो है ये बहुत अहम रोल प्ले करती है हमारी डेली लाइफ में। अब हम बात करते हैं साइंस की, कि साइंस क्या है, व्हाट इज साइंस। साइंस जो है ये हमारे पास एक नॉलेज है, साइंस इज द नॉलेज विच वी गेट थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। साइंस एक इलम है जो हम मुशाहिदात से और तजर्बात से हासिल करते हैं। अब मुशाहिदात से और तजर्बात से कैसे, जिस तरह से हम कहते हैं कि हमने एक बटन प्रेस किया और फैन ऑन हो गया, तो ये हमने पहले ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद जब हमने खुद से ये काम किया तो हमारा एक्सपेरिमेंट हो गया। तो इस तरीके से जो हमें नॉलेज मिला वो नॉलेज हमारे पास क्या है, साइंस। तो साइंस इज जस्ट अ नॉलेज विच वी गेट थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। हाउ मेनी फ्रंटियर्स ऑफ साइंस, देर आर थ्री मेन फ्रंटियर्स ऑफ साइंस। यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज ऑब्जेक्ट्स, यानी कि हमारी कायनात में बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, जिस तरह से सन है, अर्थ है, मून है, और हमारी यूनिवर्स जो है वो कंसिस्ट करती है मिडल साइज ऑब्जेक्ट्स में, और मिडल साइज ऑब्जेक्ट्स को हम नाम देते हैं कॉम्प्लेक्स मैटर का। और ये हमारी डेली लाइफ में जितने भी ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं इनका साइज जो है वो पास क्या है, बहुत कंपेरेबल है। सिंपलेस्ट अगर हम कहें तो वो ना बहुत ज्यादा है और ना बहुत कम है। जिस तरह से अगर हम बात करें साइज ऑफ अ बोर्ड, साइज ऑफ अ मार्कर, साइज ऑफ अ चेयर, साइज ऑफ अ टेबल, तो ये हमारे पास जो है ये मिडल साइज ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको हम नाम देते हैं कॉम्प्लेक्स मैटर का। इसके बाद हम बात करते हैं कि यूनिवर्स जो है वो कंसिस्ट करती है वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, सच एज इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एटसेट्रा। तो ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, तो यूनिवर्स कंसिस्ट करती है इन स्मॉल पार्टिकल्स के ऊपर भी। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ साइंस की, कि हमारे पास साइंस की कितनी टाइप्स हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ साइंसेस, फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस। अगर हम फिजिकल साइंस की बात करें तो फिजिकल साइंस हमारे पास जो है वो आर रिलेटेड टू नॉन लिविंग थिंग्स, और अगर हम बायोलॉजिकल साइंस की बात करें तो इट इज रिलेटेड टू लिविंग थिंग्स। तो हमारा जो कंसर्न है वो फिजिकल साइंस के साथ है, जो कि किसके साथ कंसर्न करती है, रिलेटेड टू नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। तो बायोलॉजिकल साइंस को हमने स्टडी नहीं करना, तो हम फिजिकल साइंस की जो है वो आगे फर्दर डिस्कशन करते हैं। अब फिजिकल साइंस में जो है हम फिजिक्स को डिस्कस करते हैं, और फिजिक्स हमारे पास क्या है जी, इट इज द स्टडी ऑफ नेचर। अगर हम बात करें पहला जो हमारे पास आर्टिकल है वो है जी फिजिकल क्वांटिटीज। व्हाट डू यू मीन बाय द फिजिकल क्वांटिटीज, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। जितनी भी क्वांटिटीज हमारे पास मौजूद है जिनको आप मेजर कर सकते हैं, जिनकी पैमाइश की जा सकती है, वो हमारे पास क्या है जी, फिजिकल क्वांटिटीज है। तो एग्जांपल में हमारे पास लेंथ है, अगर आपको मैं कहता हूँ किसी चीज की लेंथ जो है वो मुझे मेजर करके दिखाएं, तो आप इजीली मेजर कर सकते हैं बाय मीटर और बाय एटसेट्रा।
अगर मैं आपसे कहता हूँ कि जी मुझे मैथ्स किसी बुक चीज़ का मेयर करके बताएं, तो आप मैथ्स मेयर करके बता देते हैं। टाइम की अगर मेयरमेंट करनी हो तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। तो ये जो क्वांटिटीज हमारे पास आए, ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनकी आप इजीली मेयरमेंट कर सकते हैं। इसके बाद फर्दर हम बात करते हैं जी टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज की। तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो टाइप्स इसकी आती हैं, एक बेस क्वांटिटीज और दूसरी डिराइव क्वांटिटीज। अब बेस क्वांटिटीज की अगर हम बात की जाए तो बेस क्वांटिटीज हमारे पास क्या है, दो फिजिकल क्वांटिटीज विच प्रोवाइड्स द फाउंडेशन फॉर अदर फिजिकल क्वांटिटीज। हर गल बेस फिजिकल क्वांटिटीज, और इनकी नंबर कितने हैं, दे आर 7 इन नंबर्स, यानी कि इनकी जो क्वांटिटी है वो 7 है। 7 हमारे पास बेस क्वांटिटीज हैं, जिनमें से फर्स्ट हमारे पास जो है वो लेंथ है। इसका सिंबल जो है वो आपके पास L है, और इसके लिए जो आप यूनिट, इस क्वांटिटी को जिस यूनिट में आप मेयर करते हैं वो आपके पास क्या है, मीटर। सिमिलरली हमारे पास सेकंड क्वांटिटी है मास, सिंबल इसका स्मॉल, और इसका यूनिट जो है वो किलोग्राम। इसके बाद हमारे पास है जी टाइम, स्मॉल t इसका सिंबल है और सेकंड जो है उसका यूनिट है। टेम्परेचर कैपिटल T, और यूनिट हमारे पास है जिसका केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट सिंबल I है और इसका यूनिट जो है वो एम्पेयर है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट सिंबल CD है और इसका यूनिट जो है वो कैंडेला है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात कर लें तो इसका सिंबल मोल MOL, और यूनिट की अगर हम बात कर लें तो इसका यूनिट जो है MOLE, मोल। अच्छा, ये तो हमारे पास फर्स्ट टाइप हो गई जी बेस क्वांटिटीज की। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी डिराइव क्वांटिटीज की। दो फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डिराइव्ड फ्रॉम बेस क्वांटिटीज, डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज। जिस तरह से अगर हम बात करें, बस 7 फिजिकल क्वांटिटीज, 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज थी। अब इन 7 बेस क्वांटिटीज को मिला के, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके हम बहुत सारी नई क्वांटिटीज जो है वो बना लेते हैं। उन क्वांटिटीज को जो है वो हम डिराइव क्वांटिटीज कहते हैं। असल में डिराइव क्वांटिटीज जो है ये बेस क्वांटिटीज को ही मिलकर बनती हैं। जिस तरह से अगर हम एरिया की बात कर लें तो एरिया जो है आपके पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ, के दो लेंथ को मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास जो है वो एरिया बन जाता है। तो एरिया जो है इसका यूनिट होगा मीटर, स्क्वायर मीटर। अगर हम बात कर लें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम भी लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई बाई हाइट, इसका सिंबल आपके पास वी होता है और इसका यूनिट जो है वो क्यूबिक मीटर होता है। इसके बाद हम अगर बात कर लें फोर्स की, तो फोर्स आपके पास जो है इसका सिंबल एफ है और यूनिट जो है इसका न्यूटन है, और फोर्स भी जो है वो आपके पास एक डिराइव क्वांटिटी है। इसके बाद जो है हम पेयरिंग स्कीम डिस्कस कर लेते हैं कि आपकी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के 11 चैप्टर्स हैं, तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कौन से चैप्टर जो है वो इम्पोर्टेंट है, किस चैप्टर में से कितने मार्क्स का पेपर आएगा और आपने कितने उसमें से अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि MCQs कितने आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस कितने आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस कितने आएंगे, तो ये सारी चीजें जो है ये आप डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर पेयरिंग स्कीम में। तो चलते हैं जी पेयरिंग स्कीम की तरफ। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हाफिज़ फरहान सत्तार, आई एम लेक्चरर एट कनकोरिया कॉलेज केनाल कैंपस। नाउ वी डिस्कस पेयरिंग स्कीम ऑफ फिजिक्स 2020 फर्स्ट ईयर। फॉर फर्स्ट ईयर, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 इज़ MCQs विच इज़ ऑफ 17 मार्क्स। अब यहाँ पर जो है वो हमने वो चैप्टर्स देखने हैं जिनमें से एक एक MCQs जो है वो आएगा, और वो चैप्टर्स भी अलग से देखेंगे जिनमें से दो दो MCQs आएंगे। तो चैप्टर नंबर 4, 6, 7, 9 और 10 ये वो चैप्टर्स हैं जिनमें से आपको एक एक MCQs आएगा, और चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 5, 8 एंड 11 ये वो चैप्टर्स हैं जिनमें से आपको दो दो MCQs आएंगे। तो टोटल आपके जो हैं वो 17 मार्क्स और 17 MCQs जो है वो यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अब हम आते हैं चैप्टर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अब इन शॉर्ट क्वेश्चन के जो मार्क्स हमारे पास हैं वो हैं जी 16। आपको कितने क्वेश्चंस आएंगे और आपने अटैम्प्ट कितने करने हैं, आपको टोटल 12 क्वेश्चंस आएंगे और आपने उसमें से जो है वो 8 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। चैप्टर नंबर 1, 2, 4, 6, 7 इनको मिला के आपका क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा। चैप्टर नंबर 1 में से 4 क्वेश्चंस आएंगे, चैप्टर नंबर 2 में से 3 आएंगे, चैप्टर नंबर 6 में से 1 क्वेश्चन आएगा, और चैप्टर नंबर 7 में से जो है वो 2 शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो आपके पास आएंगे। टोटल आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चंस बन गए 12, आपने अटेम्प्ट कितने करने हैं जी 8, और मार्क्स इसके कितने हो जाएंगे जी 16। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये भी, इसके भी 16 मार्क्स हैं। अब इसमें जो चैप्टर्स आपके पास हैं वो है जी चैप्टर नंबर 3,
5 and 8. चैप्टर नंबर 3 में से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, चैप्टर नंबर 5 में से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, चैप्टर नंबर 8 में से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, और टोटल आपके पास 12 क्वेश्चन हो गए। अटैम्प्ट आपने करने हैं 8 और इसके मार्क्स बन जाएंगे टोटल 16। इसके बाद आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि हमारे पास अगेन शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अब इसमें आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे 9 और आपने अटैम्प्ट कितने करने हैं 6 और मार्क्स इसके कितने होंगे जी 12। इसमें आते हैं चैप्टर नंबर 9, 10 एंड 11। 9 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 10 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और 11 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। अटैम्प्ट आपने इसमें से कितने करने हैं 6 और मार्क्स इसके बन जाएंगे जी 12। इसके बाद आते हैं जी लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चंस जो है वो आपको 5 आएंगे और आपने उसमें से जो है वो कोई से 3 अटैम्प्ट करने हैं। अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा और ये आपके पास बनेगा चैप्टर नंबर 2+3 से। अब ये 2+3 का क्या मतलब है कि किसी एक थ्योरी का क्वेश्चन होगा और एक साथ जो है वो न्यूमेरिकल होगा। किसी भी चैप्टर से थ्योरी भी आ सकती है और किसी भी चैप्टर से न्यूमेरिकल भी आ सकता है। माइट बी पॉसिबल कि चैप्टर नंबर 2 में से थ्योरी आ जाए और चैप्टर नंबर 3 में से जो है वो न्यूमेरिकल आ जाए, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि चैप्टर नंबर 3 में से जो है वो थ्योरी आ जाए और चैप्टर नंबर 2 में से जो है वो न्यूमेरिकल आ जाए। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी लॉन्ग क्वेश्चन है और इसमें भी आपके पास बनेगा चैप्टर नंबर 4+8 में से, सिमिलरली उसी तरह से एक थ्योरी और एक न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके पास है ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, ये बनेगा 5+6 को मिला के। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 है ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, ये मिलेगा 7+9 को मिला के। और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके पास है ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है और ये बनेगा चैप्टर नंबर 10 और 11 को जो है वो मिला के। तो ये आपकी पूरी जो है वो पेयरिंग स्कीम है, फिज़िक्स फर्स्ट ईयर पेयरिंग स्कीम 2020। ठीक हो गया, तो आप इसको बेटा नोट डाउन कर लें और नोट डाउन करने के बाद जो है वो इसके मुताबिक अपनी तैयारी जो है वो स्टार्ट करें। शुक्रिया। होप सो कि आपको जो है ये फर्स्ट ईयर की पेयरिंग स्कीम जो है इसकी काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। मज़ीद लेक्चर्स के लिए जो है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत शुक्रिया।